हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि आप सभी लोगों को आज पढ़ाएंगे कापर का निष्कर्षण। कापर का निष्कर्षण पढ़ाएंगे। इस कापर के निष्कर्षण में देखेंगे तो पहले इस सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कापर का संकेत होता है Cu। कापर का संकेत Cu होता है, इसको तांबा भी कहते हैं। तांबा भी कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक 29 होता है। और परमाणु भार 63.5 होता है। यानी कि कॉपर का संकेत होता है Cu, परमाणु क्रमांक 29, परमाणु भार 63.5 होता है। और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा परमाणु क्रमांक का किया जाता है। तो परमाणु क्रमांक 29 है तो यह हो जाएगा 2, 8, 18, 1 होता। यह आप बोरबरी के नियमानुसार होता है और आपबाव के नियमानुसार होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1 और 3d10 होता है। यह अपवाद में आता है। 4s1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 3d10 होता है, इसलिए यह क्या होगा, बी ब्लॉक का तत्व होगा। तो यह जो यानी कि यह क्या होगा, डी ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक। तो यह डी ब्लॉक में पाया जाता है। और अब इसको वर्ग देखेंगे तो वर्ग में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 1 11, यानी कि 4s का 1 इलेक्ट्रॉन और 3d का 10 इलेक्ट्रॉन, उसको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 11th ग्रुप में पाया जाता है। 11th मतलब कि यह फर्स्ट बी, क्योंकि यह डी ब्लॉक का तत्व है इसलिए यह बी उपसमूह में पाया जाएगा, तो फर्स्ट बी लिखा जाता है। तो वर्ग में क्या हो जाएगा, फर्स्ट बी या 11th समूह, 11th समूह में पाया जाता है। और आवर्त में या चौथे आवर्त में होता है, या चौथे आवर्त में पाया जाता है। तो जो कापर का निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, तो कापर का संकेत कापर 29 होता है, परमाणु क्रमांक कापर का संकेत Cu होता है, इसको तांबा भी कहते हैं। और अब परमाणु क्रमांक 29, परमाणु भार 63.5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ से यह ग्रुप को बताएगा, यह फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप है, यानी कि डी ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है। तो इसको लिखते हैं फर्स्ट बी। बी क्या है, उपसमूह होता है, और 11th यह समूह हो जाएगा, यानी कि 11th वर्ग या समूह 11th वर्ग में पाया जाता है। और यह डी ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि इसका सबसे बाहरी कोश डी होता है। तो यहाँ पे और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपसमूह में
प्रवेश करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को हमेशा बी उपवर्ग में रखा जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट बी और आवर्त चौथा में होगा, या क्योंकि सबसे बारीक कोश से ही आएगा, फोरियस, थ्री डी के पास फोरियस आता ही है, तो इसलिए यह चौथे आवर्त में होगा। और अब पढ़ेंगे कापर का, कापर के प्रमुख अयस्कों के नाम, कापर के प्रमुख अयस्कों के नाम, अयस्कों के नाम व सूत्र। यह बहुत मस्त है, जो कि कंपटीशन में भी आता है और एग्जाम में भी आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है कि कापर के प्रमुख दो अयस्कों के नाम बताइए और उनका सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यूपराइट, क्यूपराइट CU2O, क्यूपराइट। दूसरा होता है कापर, पाइराइट, कापर पाइराइट या CuFeS2, कापर पाइराइट, इसको कैल्को पाइराइट भी बोलते हैं, कैल्को पाइराइट, कैल्को पाइराइट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कापर पाइराइट जो है, कापर का प्रमुख अयस्क होता है, क्योंकि कापर पाइराइट से कापर 99.99% शुद्ध कापर प्राप्त किया जाता है और बाकी अयस्कों से कम प्राप्त किया जाता है, लेकिन जिससे अधिक प्राप्त किया जाता है वह कापर का क्या होगा, प्रमुख अयस्क होगा, या कापर पाइराइट से कापर अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको कापर का प्रमुख अयस्क कहेंगे। इसके अलावा भी है कापर ग्लांस, कापर ग्लांस, इसको CU2S कहते हैं, इसका सूत्र हो जाएगा, इसको कैल्कोसाइट कहते हैं, कैल्को कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट कहते हैं। और आप चौथा हो जाएगा मैलेकाइट, मैलेकाइट, मैलेकाइट CuCO3 CuOH का ट्वास, ये मैलेकाइट का सूत्र होता है, या बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। एजू राइट का भी सूत्र काफ़ी ज़्यादा पूछता है, तो इसका भी CuCO3 का ट्वास होता है CuOH का ट्वास होता है। इसमें मैलेकाइट में एक कापर कार्बोनेट है और एजूराइट में क्या है, दो कापर कार्बोनेट है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 CuCO3 CuOH का ट्वास, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो कापर का जो प्रमुख अयस्क होता है, यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं कि कापर का प्रमुख अयस्क, कापर का प्रमुख अयस्क कापर पाइराइट होता है, कापर पाइराइट होता है। तो कापर यानी कि कापर का जो प्रमुख अयस्क होता है
वह कॉपर पाइराइट होता है, जिसका सूत्र होता है CuFeH2, और जिसको कि कैल्कोपाइराइट भी कहते हैं, और कॉपर ग्लांस का CU2S होता है जिसको कैल्कोसाइट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग सामान्य जानकारी देख ली है, और इसका प्रमुख अस्क भी, और आवर्त सारणी में किस स्थान पर पाया जाएगा, या डी ब्लॉक के फर्स्ट बी और आवर्त चौथे में फर्स्ट बी समूह में, और फर्स्ट बी आवर्त में पाया जाएगा।